हिमाचल में बारिश से हाहाकार, तीन हादसे में 20 लोगों की मौत, कई के दबे होने की आशंका, अगले 24 घंटे हिमाचल और उत्तराखंड पर भारी। शिमला के बालूगंज में लैंडस्लाइड की वजह से शिव मंदिर पर गिरा मलबा, अभी तक 9 लोगों के शव निकाले गए, कई और लोगों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव का काम जारी। शिमला के भागली में लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान, 4 की मौत, 6 लोग जख्मी, अभी भी कुछ लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोटद्वार के मोहनचट्टी के पास कैंप में मलबा आने से करीब 5 लोगों के दबे होने की आशंका, तेज बारिश के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। भयानक बारिश में रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम को जोड़ने वाला पुल टूटा, 100 के करीब तीर्थयात्री फंसे उफान पर नदी। सोलन के जादौन गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया दुख। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुल्लू नेशनल हाईवे के पास बादल फटने से भारी तबाही, टूरिस्ट बस समेत कई गाड़ियां बहीं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी, चंद सेकंड में ढही देहरादून के डिफेंस कॉलेज की इमारत। उत्तराखंड के कई इलाकों में फिर से तबाही वाली बारिश, चमोली में मलबे की बाढ़ में फंसी कार। मंडी में लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी ने अख्तियार किया रौद्र रूप, पानी के तेज बहाव से सहमे लोग। देहरादून में कुदरत का कहर, देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में बारिश से नुकसान, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने हिमाचल को किया बेहाल, मंडी पराशर रोड पर बना बग्गी पुल पानी के तेज बहाव में बहा, आवाजाही बाधित। बारिश की वजह से जोशीमठ के कई घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें, 10 से 15 मकान खतरे की जद में, दरार देखकर सहमे लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में भी आफत बनी बारिश, लोगों के घरों में भरा पानी, गली सड़कें तालाब में तब्दील। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर गंगा का बहाव, प्रसिद्ध भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी, वीडियो वायरल। हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार, शिमला के बीसीएस क्षेत्र में भूस्खलन के बाद कई पेड़ उखड़े। देहरादून में मूसलाधार बारिश में बही सड़कें, तेजी सड़कों पर भर रहा है तेजी से पानी, आवाजाही प्रभावित। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान के पार अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, हनुमान मंदिर तक पहुंचा पानी, रिहायशी इलाकों में भी घुसा पानी। बिहार के सुपौल में कोसी ने 33 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़े, 4,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, सैकड़ों गांव जलमग्न, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के दरभंगा में नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में भरा पानी, स्कूल घरों में पानी बढ़ने से मुसीबतें बढ़ गई हैं, नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। ट्विटर पर तिरंगे वाली फोटो लगाते ही योगी, शिवराज और खट्टर का वेरिफिकेशन टिक गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कल की थी तिरंगा लगाने की अपील। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन पर मुरैना में पथराव, टूटा कोच का शीशा, आरोपी अरेस्ट। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर शाम 7 बजे प्रसारण। अनंतनाग में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर लोगों का जोश हाई है, तिरंगा यात्रा में विशाल जनसमूह हुआ शामिल। लाल किले की सुरक्षा के लिए अचूक इंतजाम, पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम और कैमरे से निगरानी। दिल्ली के हनुमान अखाड़े में पहलवानों ने फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल। मेलबर्न में फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने तिरंगा फहराकर मनाया भारत की आजादी का उत्सव। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई ने घर पर फहराया तिरंगा, कश्मीर के टॉप 10 आतंकवादियों में शामिल है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा इस दिन विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा लाल किले से झूठ की बरसात, होने का आखिरी मौका। सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी ने भ्रष्टाचार के 75 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला के वोट वाले बयान पर सियासी बवाल, संबित पात्रा ने कहा बीजेपी और पीएम मोदी के लिए जनता ही जनार्दन है। बीजेपी समर्थकों को लेकर विवादित बयान देने वाले सुरजेवाला पर सीएम शिवराज का पलटवार, कहा हम जनता को और आप खुद को मानते हैं भगवान। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले में तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच में जुटी पुलिस। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अदाणी हिंडनबर्ग मामले में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन और समय मांगा है, अदाणी स्टॉक्स में दिखी गिरावट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कृष्ण जन्मभूमि विवाद, मथुरा की शाही ईदगाह में ज्ञानवापी जैसा सर्वे करने की मांग। रूस ने दक्षिणी शहर ओडेसा पर किया 3 वेव एयर अटैक, हमले में ओडेसा शहर में मची तबाही। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मिसाइल फैक्ट्रियों पर किया है दावा।
ईरान में शिया धार्मिक स्थल पर आतंकी हमला, एक की मौत, आठ घायल।